ये दोस्तों आ गए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अपना क्रोम ब्राउज़र का हिस्ट्री डिलीट करने के लिए या फिर अपना हिस्ट्री देखने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों ओपन करने के बाद जो ऊपर थ्री डॉट दिखा रहा है इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए इसमें आ रहा हिस्ट्री करके लिखा हुआ, इसको आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों देखिए हिस्ट्री में क्या होता है, जो हम क्रोम ब्राउज़र यूज करते हैं, जो हमारा कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं या कोई वीडियो डाउनलोड किए, कोई फ़ोटो डाउनलोड किए, तो ये सारा जो हमारा जो हिस्ट्री होता है इसमें सेव हो जाता है। तो दोस्तों बाय चांस अगर आप कोई वीडियो या फ़ोटो कोई डाउनलोड किए या कोई वेबसाइट से कोई आर्टिकल पढ़े हैं, तो दोस्तों आप अगर अपने मोबाइल में रखें या फिर उसके कभी बाई चांस आपसे डिलीट हो गया और भविष्य में उसको आपका कभी ज़रूरत पड़ जाता है, तो दोस्तों आप हिस्ट्री में आके अगर उस वेबसाइट का आप नाम भूल गए हैं, आपको याद नहीं आ रहा है कि किस वेबसाइट से उस चीज़ को आपने डाउनलोड किया था या फिर देखा था, तो दोस्तों आप अपने इसमें हिस्ट्री में आके दोस्तों आप यहाँ से सही से देख के उस चीज़ को आप देख सकते हैं कि किस वेबसाइट से आपने सर्च किया था। तो दोस्तों ये तो हो गया फ़ायदे की बात। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम जो होते हैं कि कई ऐसे वेबसाइट जो सर्च किए होते हैं जो दूसरे को दिखाने में हमें शर्म लगे या फिर कोई ऐसा चीज़ हम नहीं दिखा सकते, जैसे कि कोई पोर्न वगैरह आप कोई देख रखे हैं, ऐसे कोई ऐसी वेबसाइट आपने सर्च कर रखा जो इम्पोर्टेंट है किसी को आप दिखा नहीं सकते। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि आपको अभी मोबाइल किसी को दिए तो जो आदमी को और अच्छा जानकारी है तो इसमें आपको हिस्ट्री में जाकर वो देख सकता है कि आपने क्या क्या सर्च किया हुआ है और क्या क्या देखा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे में आप अगर अपना हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली देखिए आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको एक एक करके आपको ट्रिक करना होगा। लेकिन दोस्तों इसमें हम आपको सिंपल बता रहे हैं कि आप बहुत सारे एक महीने में कितने बहुत सारे वेबसाइट आप देखे हुए हैं जिसे आप डिलीट नहीं करते, कई हज़ार वेबसाइट हो जाती हैं देखते देखते। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना होगा कि क्लियर ब्राउज़र डेटा इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप क्लियर उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद से देखिए इसमें आ रहा है बेसिक और एडवांस। तो दोस्तों बेसिक में तो हो गया आपका जो आपने क्या क्या देखा है, फ़ोटो वीडियो है ये सब चीज़, लेकिन आप एडवांस पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें 5-6 ऑप्शन आ रहे हैं। तो देखिए ब्राउज़र हिस्ट्री जो आपने क्या क्या सर्च किया वो चीज़ आ जाए, इसमें कुकीज एंड साइट डेटा, इसमें जो आपने कोई ऐसा वेबसाइट देखा हुआ है जो सारी चीज़ सेव हो जाती है इसमें, उसके बाद से सारी चीज़ देखिए इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों नीचे देखिए दे रहा है कि सेव्ड पासवर्ड और ऑटो फिल फॉर्म डेटा। तो दोस्तों आप कोई वेबसाइट जैसे कि देखते हैं आपको हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं उसमें अपना पासवर्ड सेव कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप चाहें तो उसको अब इसको क्लिक करेंगे तो वो भी डिलीट हो जाएगा आपका जो पासवर्ड सेव रहता है। और इसमें ऑटो फिल जैसे ऑटो फिल फॉर्म डेटा, दोस्तों जैसे आपको बहुत सारे ऐसे जो आप ब्राउज़र यूज करते हैं जैसे कि आप कोई टिकट निकाल रहे हैं तत्काल टिकट, तो उसमें उस कंडीशन में आपका जो फॉर्म है ऑटो फिल होता है तो उसके लिए दिया दोस्तों। तो इसके बाद से आपको क्या करना है, इसको क्लिक नहीं करना है, आपको जो ऊपर का तीन दिखा रहा है उसी को आपको क्लिक कर रहने देना है। और उसके बाद से आपको क्या करना है, और देखिए इसके बाद से इसमें एक एरो दिखा रहे हैं लास्ट हार्स, आपने इसमें देखिए आप जाके देख सकते हैं कि आपका लास्ट हार्स मतलब पिछले घंटे का आप चाहे डिलीट कर सकते हैं, चाहे आप 24 घंटे का आपने क्या क्या सर्च किया उसको डिलीट कर सकते हैं, 7 दिन का आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, या फिर 4-1 महीने का पकड़ लीजिए, या फिर ऑल टाइम मतलब आपने जब से मोबाइल का यूज कर रहे हैं क्या क्या यूज किया है या देखा है उस सब सारी चीज़ को। तो चलिए हम ऑल पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों आपको नीचे का ट्रिनों को ट्रिक नहीं करना है, आप चाहे तो आप कर सकते हैं आपको ज़रूरत है तो। उसके बाद से क्या करना है दोस्तों, क्लियर डाटा पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद से फिर यहाँ पे लिख के आ रहा है क्लियर, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से देखिए दोस्तों आपका जो ब्राउज़र है बिल्कुल ही खाली हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे आप ऐसे ही ये सारा अपना जो हिस्ट्री है आपको चाहे तो ज़रूरत है तो वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर उसे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको सही से सही जानकारी दे पाए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वंदे मातरम।